दोस्तों ये देखिए हमारी गाड़ी और वॉशिंग मैंने गाड़ी को करवाई है, इसीलिए आपको दिखा रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है हमारा वो भी इसी से रिलेटेड है, क्योंकि हम गाड़ियों की साफ़ सफाई पर कितना ध्यान देते हैं ये आज आपको मैं बताने वाला हूँ, और कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है ये चीज़ें। तो ये सभी बातें आज हम वीडियो के अंदर करने वाले हैं, तो बने रहें आप वीडियो के अंदर और वन बाई वन आपको बता दूंगा दोस्तों मैं कि किस प्रकार से आपको गाड़ी को वॉशिंग करवाना चाहिए। और कई प्रकार की वॉशिंग की जाती है गाड़ियों की, तो सभी इसके बारे में चर्चा करेंगे और फुल वीडियो आप देखिए ताकि आपकी गाड़ी भी सेफ बनी रहे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे वीडियो के अंदर। और आज एक ऐसी बात करेंगे दोस्तों हम, जो गाड़ी ओनर होते हैं उनके लिए गाड़ी की साफ़ सफाई करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम होता है, और गाड़ी के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर भी करती है दोस्तों, क्योंकि अगर आप गाड़ी की साफ़ सफाई नहीं रखोगे तो आपको इस चीज़ का हर्जाना भुगतना ही पड़ता है दोस्तों। और जो चीज़ें मैंने इस गाड़ियों से सीखी है वो आज आपके लिए मैं शेयर करने वाला हूँ, आपको शायद इससे फ़ायदा होगा दोस्तों। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप भी एक गाड़ी ओनर हैं तो आपको वीडियो को देखने के बाद ये पता लगेगा कि हमें गाड़ी की साफ़ सफाई किस तरीके से करनी चाहिए और क्या क्या इसके लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये सभी बातें आज हम करेंगे वीडियो के अंदर। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, आगे शेयर कीजिए, कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर बता सकते हैं। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। करते हैं आज का ये वीडियो हमारा स्टार्ट, और बात करते हैं गाड़ियों की साफ़ सफाई कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैटर ये है दोस्तों कि आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि गाड़ी क्या होता है। जब भी हम कोई नई गाड़ी लेकर आते हैं तो कुछ दिन तक एक नई गाड़ी का अलग ही क्रेज होता है दोस्तों। आप डेली गाड़ी की साफ़ सफाई करते हैं और जब भी आपको मौका लगता है तब आप सर्विस स्टेशन पर ले जाकर गाड़ी को वॉशिंग करवाते हैं, अच्छी तरीके से साफ़ सफाई कई दिन तक चलती है दोस्तों। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है, जब गाड़ी थोड़ी पुरानी होने लगती है उस टाइम गाड़ी की जो साफ़ सफाई है उस पर कम ध्यान दिया जाता है, और यही कारण बनता है जो आगे जाकर कुछ सालों बाद, 2 या 3-4 साल तक के बाद, गाड़ी क्या है जो रस्टिंग की प्रॉब्लम है वो गाड़ी के अंदर आने लग जाती है। और रस्टिंग इसी वजह से आती है कि प्रॉपर गाड़ी की अगर साफ़ सफाई ना हो तो गाड़ी की जो बॉडी है, आज के टाइम में जो गाड़ियां आती हैं मार्केट के अंदर उनकी बॉडी मारुति सुजुकी की ज़्यादातर आपको मैं गाड़ी बता देता हूँ कि इतनी ज़्यादा कमज़ोर टाइप की बॉडी आती है गाड़ी की, जो चादर होती है जिससे गाड़ी की बॉडी बनती है उसकी मोटाई बिल्कुल ही कम होती है। जैसे ही आप ज़ोर से हाथ से अगर धक्का भी दोगे तो वो बिल्कुल डेंट पड़ जाएगा गाड़ी की बॉडी के अंदर। तो इस प्रकार की बॉडी अगर गाड़ी के अंदर है तो आपको साफ़ सफाई रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। इसीलिए आज आपको मैं बता रहा हूँ कि दो प्रकार की साफ़ सफाई गाड़ी के अंदर होती है। सबसे पहले जो हम बेसिक गाड़ी की साफ़ सफाई करते हैं वो गाड़ी के बाहर से, जिस प्रकार व्यक्ति कपड़े चेंज करता है उसी प्रकार गाड़ी की जो बाहर से सफाई की जाती है, और जो बाहर गाड़ी के अंदर मिट्टी लग जाती है, पानी लग जाता है, गंदा पानी, तो उसी प्रकार से हम गाड़ी को बाहर से साफ़ कर देते हैं, कपड़ा मारकर भी साफ़ कर देते हैं। लेकिन ज़रूरी क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, गाड़ी के जो निचला हिस्सा, जो नीचे का जो भाग होता है गाड़ी का, जिसको फर्श बोला जाता है, गाड़ी के फर्श के नीचे यानी जो ज़मीन के बिल्कुल सट कर गाड़ी चलती है, ज़मीन के बिल्कुल चिपक कर गाड़ी जहाँ चलेगी वहाँ उसके फर्श के अंदर, फर्श के जो निचले भाग के अंदर इतनी ज़्यादा मिट्टी जमा हो जाती है, अगर आप कंटिन्यू गाड़ी को चलाते रहेंगे और गाड़ी को अगर वॉशिंग नहीं करवाएंगे सर्विस स्टेशन पर ले जाकर, तो ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व होने वाली नहीं है। क्योंकि ये प्रॉब्लम तभी सॉल्व होती है जब आप एक हफ्ते के अंदर, अगर आप कंटिन्यू गाड़ी चलाते हैं, डेली गाड़ी चलाते हैं, तो मान के चलिए आप एक हफ्ते के अंदर एक बार गाड़ी को पूरी बॉडी क्लीन करवानी ज़रूरी है दोस्तों। यानी गाड़ी के जो नीचे के पार्ट होते हैं, जैसे आगे का इंजन हो गया गाड़ी का, उसके बाद नीचे साइलेंसर हो गया, जितने भी पार्ट गाड़ी के अंदर नीचे होते हैं उसके अंदर मिट्टी जमा हो जाती है, और मिट्टी जो जो पेस्ट एक ऐसा बन जाता है मिट्टी का गाड़ी की बॉडी के नीचे, वो भयंकर तरीके से चिपक जाता है, निकलता नहीं है। आप कितना भी बाहर से पानी उसको पानी से धो लीजिए लेकिन वो मिट्टी नहीं निकलेगी जब तक
आप गाड़ी को सर्विस स्टेशन पर नहीं लेके जाते तब तक वो मिट्टी नहीं निकलेगी। और यही कारण होता है कि अगर हम सर्विस स्टेशन पर गाड़ी को लेकर नहीं जाते तो गाड़ी का जो चेचिस होता है वो भी एक टाइम पर गलना शुरू हो जाता है, यानी रस्टिंग की प्रॉब्लम उसमें आ जाती है। और चलती हुई गाड़ी, कई बार आपने ये घटना सुनी होगी कि गाड़ी का जो इंजन है वो नीचे, जैसे ही गाड़ी को झटका लगा उसी टाइम गाड़ी का इंजन भी नीचे रह गया सड़क पर। तो ये चीज़ें ऐसे ही होती है, क्योंकि अगर प्रॉपर हम गाड़ी को नीचे से वॉशिंग नहीं करवाएंगे तो ये प्रॉब्लम आगे गाड़ियों के अंदर आने वाली है। और गाड़ी का जो चेचिस होता है वो धीरे 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 करके अंदर उसके मिट्टी जमा हो जाती है और वो गलना, रस्टिंग लगना स्टार्ट हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको गाड़ी के अंदर हो सकती है, इसीलिए आपको मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आप प्रॉपर अपनी गाड़ी की सफाई करवाते रहिए। और टाइम टू टाइम, अगर आप डेली गाड़ी नहीं चलाते हैं तो 15 दिन के अंदर आप एक बार गाड़ी को नीचे से सर्विस स्टेशन पर ले जाकर लिफ्टिंग करके गाड़ी को नीचे से वॉशिंग करवाइए। अगर आप डेली चलाते हैं तो 7 दिन के अंदर एक बार अपनी गाड़ी को वॉशिंग करवाइए। अगर ये चीज़ें आप एक कंटिन्यू रखते हो तो मान के चलिए दोस्तों आपकी गाड़ी को नीचे से कोई रस्टिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ये रस्टिंग की प्रॉब्लम मैंने फेस की है दोस्तों, तभी मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास इस चीज़ का प्रैक्टिकली मेरे पास एक्सपीरियंस है दोस्तों, तभी मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। आपकी गाड़ी बिल्कुल सेफ रहेगी अगर आप मेरे बताए अनुसार अपनी गाड़ी को वॉशिंग करवाते हैं, और एक टाइम पर अगर 1-2 महीने के अंदर आप अपनी गाड़ी को नीचे डीजल से भी वॉश करवा लें तो बहुत ही ज़्यादा बेटर रहेगा। रस्टिंग अगर होती है तो बिल्कुल भी रस्टिंग खत्म हो जाएगी दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, अगर शेयर कीजिए, कमेंट करके आप अपनी राय जरूर बता सकते हैं। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही किसी नई वीडियो में नई गाड़ी की चर्चा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।